छोड़ो मुझे, छोड़ चल, छोड़, अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग, चल चुपचाप चल, छोड़ो मुझे, चुपचाप सीधा खड़े रह। कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? राजवीर शुक्ला को नहीं जानते तुम? अरे ओ काका, ये हमारा दोस्त तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है और हम सुना है कि तुम प्यार के बीच में दीवार बन रहे हो। देखो तुम जो भी हो, हम पर किसी भी चीज का दबाव नहीं डाल सकते तुम। दबाव नहीं, सुझाव है। देखिए कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही ना, तो ये रहा दूल्हा, दहेज एक रुपया नहीं लेगा, और रही बात शादी के खर्चे की, तो सारा खर्चा हम उठाएंगे, सस्ते में निपट जाओगे आप। ये लड़का एक नंबर का लफंगा है, इसको हम अपनी बेटी का हाथ कभी भी नहीं दे सकते हैं। इज्जत से समझा रहे हैं तो कहें बेइज्जत होने पर तुले हो, हाँ लफंगा है ये, तुम्हारी बेटी क्या है, कोई माधुरी दीक्षित है जो सात समंदर पार से सपनों का राजकुमार आएगा उसके लिए? बुढ़ो, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला खुशी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान करना, और दूसरा नहीं तो उसको उठवा लेंगे। सुधामा काका, एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हो? हाँ ए लड़की, तू कौन है? काका, हम कौन हैं? ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर इंट्रोडक्शन चाहिए तो अखाड़े में मिलो, कहो तो तुम तीनों को यहीं पर डेमो दे दे। ए लड़की, तुझे अंदर आने किसने दिया? वहीं से अंदर आए हैं जहां से तुम्हारे ये दो टट्टू अंदर आए, ठीक है? तू अंदर आ तो गई है पर यहां से बच के जा नहीं पाएगी। बुलबुल रंजू मिश्रा, वो जोश और ताकत से भरी लड़की, कह देना उसको कि अगर बदला लेना है तो आ जाए। चलो भाई।